क्वालिफाइड मैच खेला था और फिर एक लीगल मैच खेलकर यहाँ पर आए थे। दोनों मैच अच्छा खेले वहाँ पर और पहली ओवर की पहली गेंद लेकर विजित विजित अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हमने देखा उनको दोनों मैच में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। एक पॉइंट पर प्लेयर लिया है, गली में लिया है, एक शॉर्ट थर्डमैन को फील्डर लिया है, एक कवर पर एक फील्डर है और पहली गेंद अच्छी गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के पर जाती हुई। कोई मौका नहीं था। मैच रुका हुआ था उसके वजह से यहाँ पर इंजॉय भी हो रहा है और अच्छी गेंदबाजी, लेकिन उतना अच्छा शॉट था विजय का, बहुत ही बढ़िया शॉट। फिर से एक मरतबा विजय यहाँ पर खेलते हुए, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, फिर से एक मरतबा वहाँ पर फील्डर है, लगातार बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री आती हुई, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है ये। बाज है लगातार दो गेंदे दो बाउंड्री आठ रन बनाए हैं। ऐसा गेंदबाज है जो अब तक टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी की इसने। उसके ऊपर दो प्रहार मिड ऑन के ऊपर लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला था, अच्छा शॉट था पहला, दूसरा शॉट भी उससे बेहतर, फील्डर के पास कोई मौका नहीं था वहां पर उसे फील्ड करने के लिए। तीसरी गेंद, तीसरा चौका होता हुआ, बैक टू बैक हैट्रिक चौका आता हुआ, इस बार कवर के ऊपर से खेला, कवर बाउंड्री पर 4 रन्स 12 रन 3 गेंदे। मैच है, व्हाट अ मैच। खिंजौली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छी स्टार्ट खिंजौली की, राइट आर्म ओवर द विकेट और ये चौथा होता हुआ, अभी चौका है, छक्का है, अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ, चौका यहां पर, तो ये 4 रन के साथ 4 गेंदे 4 चौके। वाह व्हाट अ मैच। अच्छा खेल यहाँ पर, उतना अच्छा म्यूजिक वहाँ पर और उससे अच्छा वहाँ पर मनोरंजन पेश करते हुए, लेकिन क्या क्रिकेट है। बॉल चाहिए, पुराना पुराने से नया, नया बॉल, तो इस तरह से विजय विजय यात्रा पर सवार, विजय रथ यात्रा पर सवार है। बॉल मिल गई शायद वहाँ पर, 4 गेंदे 4 चौके लगातार, इससे बेहतर स्टार्ट क्या होगा, बहुत ही बढ़िया स्टार्ट, क्या मैच है, बहुत ही अच्छा मैच। विजय बहुत अच्छे बल्लेबाज है, टाइमिंग इतना अच्छा है, फुटवर्क कितना अच्छा, भला प्यारा है फुटवर्क, थोड़ी नजर डालिए उनके फुटवर्क के ऊपर। ये देखिए फिर से एक मरतबा अपना कदम को आगे निकाला, अरे पांचवा नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पर फील्डर है, लेकिन 2 रन, अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर, 2 रन 4 चौके 1 2D, अच्छी शुरुआत विजय के लिए, विजय एंड कंपनी के लिए, कंजलोनी के लिए। नाइट टूर्नामेंट 1,50,000, 75,000, 25,000, 25,000 के लिए चल रहा है और यहां पर नो बॉल, अंपायर का इशारा, सोने पे सुहागा होता हुआ कंजलोनी के लिए, लेकिन खराब चीज यहां पर मूर के लिए, 6 रन कुल मिलाकर 7। इस टूर्नामेंट की सबसे महंगी ओवर जो है 25 रनों की, जो रिहान दाबोल के उन्होंने फेंकी थी, वो भी याद है, आतिफ घोटेकर उनकी 26 रन है, रिहान के 25 रन है, क्या उसको ये रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी ये ओवर। हालांकि विजित बहुत अच्छे गेंदबाज है, बहुत बढ़िया गेंदबाज है, तो यहां पर इस वक्त स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है यहाँ पर मूर के लिए, मूर
बॉडी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं मूड का यहां पर, क्योंकि उनका मूड ही खराब हो गया है। राइट आर्म ओवर द विकेट, फ्री हिट दौड़ना शुरू किया वहां पर और यहां पर फ्री हिट का फायदा उठाते हुए देखना कितने रन मिल पाते हैं। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए वहां पर दौड़ा, अंपायर का इशारा चार रन। ये पांचवी बाउंड्री है, पांचवी और स्कोर हुआ है 27। आतिफ का भी रिकॉर्ड ब्रेक हो गया यहां पर, गोरेगांव के बच्चे मुझे बता रहे हैं और सही है, कोई मसला नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही ब्रेक होने के लिए, लेकिन ये रिकॉर्ड जो है वो बनाना कोई नहीं चाहेगा। 27 रन विजय, क्या बल्लेबाजी विजय की, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। 27 रन में 26 रन विजय की ही है, एक रन नो बॉल का। विजय विजय अपनी टीम को विजय की तरफ लेके जाने में बहुत ही ज्यादा नुमाया किरदार यहां पर निभाते हुए, बहुत ही बेहतरीन किस्म की बल्लेबाजी, शॉर्ट सिलेक्शन में उनका सही था, कहीं पर भी अपने स्ट्रोक खेलने में जरा सा भी हिचकिचाए नहीं कि मैं ऐसा खेलूं या नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस था, जो एतमाद उनका है जबरदस्त, काबिले तारीफ है उनका एतमाद। थैंक यू केतन, पहली ओवर लेकर दूसरी ओवर लेकर फैसले इस ट्रैक पर, अब तक फैसले एक भी गेंद फेस नहीं किया है क्योंकि तमाम गेंदे खेली वो पावर प्ले की, तमाम गेंदे खेली विजय ने और अपने टीम के लिए एक बड़ा टारगेट दिया पहली ओवर में 27 रन, जो इस टूर्नामेंट की सबसे महंगी ओवर है। और ओवर के बॉल भी चेक करें, एक मिनट रुको, एक ओवर के बॉल कारविनकर की जानिब से विजय के लिए, ये 200 रुपए छह गेंदे बराबर है, मोबीन कारविनकर मिलाकर सात गेंदे हुए, उसमें से एक नो। ओके नोटेड, ओके इट्स नोटेड, ओके। तो यहां पर दूसरी ओर केतन, सामने है फैसल, स्कोर है 27 रन। केतन राउंड द विकेट आ रहे हैं, अच्छे गेंदबाज बल्लेबाज है, गेंदबाज भी है। अगेन हालांकि बैट के निचले हिस्से को लगी, सही बैट पर गेंद आई नहीं, एक रन मिलेगा, एक रन संतुष्ट रहना पड़ेगा वहां पर, जब तक कि दोनों ने अपने अपने छोर बदल लेते। इसी रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा 28 रन और बगैर किसी नुकसान के। दूसरी ओवर प्रगति पर है, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस बाय केतन। पहली ओवर तो जरा महंगी, जरा ने अच्छी खासी महंगी रन रही हो रही थी क्योंकि आप चार चार ओवर का मैच खेल, निर्धारित चार चार ओवर के मैच खेल रहे हैं और निर्धारित चार चार ओवर के मैच में अगर पहली ओवर में 20 या 25 रन जाते तो किसी भी टीम का एक मनोबल वहां से गिर सकता है। लेकिन केतन देखना किस तरह से वापसी करते हैं। राइट राउंड विकेट, रिवर्स शॉट, वाह व्हाट अ शॉट, बेहतरीन शॉट, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। मुत्वादर अगर तीन छक्के लगा, हालांकि अच्छी लंबाई की गेंद फेंकी थी उन्होंने, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला, अच्छा वापसी की वहां पर, सेंसेबल क्रिकेट। एक छक्के के बाद फौरन, हालांकि वहां पर रन लेना चाहते थे, दूसरा मना किया फैसल ने कि खतरे से खाली नहीं है, बैट भी निकल चुकी थी हाथ से तो खतरा हो सकता था और विजय को वो आउट नहीं कराना चाहते हैं, उनको मालूम है विजय उनकी टीम के लिए विजय दे पाएंगे। विजय रथ यात्रा पर सवार है विजय, क्या बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी विजय की। शायक ने क्रिकेट को दिल जीतते हुए 33 पर खेल रहे और यहां पर फैसल शायद के यहां पर नहीं, सेफ लाइन में नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर खिलाड़ी पहुंच चुका था। दो रन मिले फैसल को, फैसल वेलकम कहेंगे इन रनों को क्योंकि वहां पर उनका विकेट जा सकता था, हलक में जान आ चुकी थी लेकिन वहां पर बच गए, खिलाड़ी उसके नीचे आए नहीं। उसके लिए कहा जाता है क्रिकेट में कि आपको जब गेंद को कैच करना है तो अंतिम क्षणों तक अपनी निगाहें बॉल के ऊपर जो है वो अंतिम क्षणों तक वहां पर जमाए रखनी पड़ती है। कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का जड़ता है तो 200 रुपए का इनाम शहबाज और सलमान की जानिब से दिया जाएगा यहां पर। थैंक यू शहबाज सलमान, यहां पर फिर से एक मरतबा जब तक वहां से फील करके थ्रो करते, एक रन मुकम्मल किया, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा, एक रन के साथ स्कोर में मरती। हालांकि फैसल यहां पर खेल रहे हैं, विजय का साथ दे रहे हैं, चार रनों पर खेल रहे फैसल, स्कोर यहां पहुंचा है 38 रन, बड़ा स्कोर होते जा रहा है। ये दूसरी ओवर है, 38 रन है मोड़ के तरफ से, पहली ओवर में 27 रन मिले थे, यहाँ पर दूसरी ओवर केतन लेकर आए हैं कुछ हद तक के केसन के केतन की एक, लेकिन क्या रिवर्स शॉट खेला था वो केतन के ऊपर, बहुत ही अच्छा शॉट था, बहुत बढ़िया शॉट था, अच्छी गेंद, अच्छी सही लंबाई की गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी की,
इस तरह से दो ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 38 रन, दो ओवर 38 रन, कोई सफलता नहीं मिली है, एक भी सफलता नहीं मिली है। और पहली ओवर में 27 रन तो दूसरी ओवर में 11 रन, यानी आधे से भी कम रन दिए। पहली ओवर में 27 रन गए थे, दूसरी ओवर में 11 रन। अच्छी वापसी की, बढ़िया वापसी की, अच्छी गेंदबाजी, लेकिन क्या बल्लेबाजी की है वहां पर विजय ने। इसके बाद अगर ये मैच में जो भी टीम फतेह हासिल करेंगी वो श्रीवर्धन के साथ क्वार्टर फाइनल के लिए मुकाबला करेंगी, और उसके लिए एक अनाउंसमेंट है, जो भी टीम क्वार्टर फाइनल में जाएंगी वो कल अपने साथ अगर चाहे तो 6 प्लेयर आइकॉन प्लेयर यहां पर ला सकती है, जो ये टूर्नामेंट का रूल है। सेमीफाइनल में कल के लिए मैंने बात किया, तो ये रूल है इस टूर्नामेंट का। लेकिन बॉलिंग में परिवर्तन होता हुआ, अब बॉलर अजित, इस टीम में दो खिलाड़ी ऐसे हैं, एक विजित और एक अजित, जब वो दोनों खेलने आते तो फिर पता नहीं चलता अजित किसको कहा जाए, विजित। लेकिन अच्छा खेल विजित ने, अभी तक अच्छी गेंदबाजी की थी इस मैच को अगर छोड़ा जाए तो, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी इसलिए उनको पहला ओवर दिया गया था। अजित सामने फैसल, 4 रनों पर वही 30 स्कोर, 4 पर बल्लेबाजी करते हुए, अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट जरूर खेला वहां पर, जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो करते, आसानी के साथ टहलते हुए चहलकदमी के साथ अपने अपने छोर बदल लिए थे। स्कोर बढ़ता हुआ किंदोली का, पहले बल्लेबाजी कर दी, 4-4 ओवर का मैच है, तीसरी ओवर प्रगति पर स्कोर जा पहुंचा है 39 रन, बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी क्षति के, तीसरी ओवर प्रगति पर है, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस बाय अजित। मैं यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ हर टेक्नीशियंस का और जो कैमरामैन है उनका, उन्होंने जो है ये नशरियात बहुत अच्छे तरीके से किए, हमारे को जो है फीडबैक मिल रहा है, हमारे फॉरेन में देखने वाले सभी जो शौकीन है इस खेल के देखने वाले, कि कवरेज बहुत अच्छा रहा है, और यहाँ पर जो मैदानी आमला है उन्होंने भी बहुत ताउन दिया है, और हर एक उस बच्चे का हम शुक्रगुजार है जिन्होंने अपना कीमती वक्त और बिल्कुल तवनो दमन से जो है यहाँ पर दिया। इस मरतबा विजय ने जो है बहुत लंबा हिट लगाया और बाउंड्री लाइन से बाहर छक्के की जड़ता हुआ ये स्कोर अभी उछलते कूद। पैंतालीस रन बॉल कितने हुए, बॉल चाहिए वहां पर 45 रन 45। अच्छा सिक्सर लगाया, अच्छा शॉट लगाया यहां पर, इट वॉज अ फंटेस्टिक एग्जीक्यूटेड शॉट ऑन द लॉन्ग एंड बाउंड्री आउट ऑफ मींस फेंस, सो इट डिक्लेयर सिक्स, दैट वाज द मैक्सिमम। क्या बड़ा स्कोर की ओर बढ़ता हुआ यहां पर विजय एंड फैसल किंदोली, राइट आर्म आवाज बढ़ा दीजिए भाई, दौड़ा शुरू किया, एक गेंद अच्छी गेंद थी, फिर से एक मरतबा इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है, लेकिन वहां पर फील्डर वहां पर आते हैं, उससे पहले बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद निकल पुजी, 6 रन बैक टू बैक है, दूसरा सिक्सर। बॉल पहुंचा दे, बड़ा मेहरबानी, बॉल पहुंचा दे, तो अब तक 1000 के अतियात आए हुए विजय के लिए, विजय 45 पर खेल रहे हैं, विजय 45 पे खेल रहे, इससे पहले शुभम 47 पे नॉट आउट है, अब देखते क्या करते हैं। हालांकि 51 रन हो चुका है, विजय के पास चांस है 50 बनाने का, 50 रन बनाने का, क्या बल्लेबाजी की है, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, राइट आर्म ओवर द विकेट गोरेगांव से, और ऐसे अपने स्टाइल में 50 रन मुकम्मल किया, आतियात आते हुए विजय ने बहुत ही जारहाना बल्लेबाजी की है, टाइमिंग शॉट सिलेक्शन खूबसूरत, बिल्कुल जो है बैकफुट पे पहुंचा दिया, इस वक्त हम बहुत कुछ सोचने पर मजबूर है। यहाँ पर उन्होंने अपनी 50 अपने स्टाइल में मुकम्मल किया, वाओ व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मुबीन कारविलकर की तरफ से 500 रुपया और 1000 रुपया यहाँ मेरे पास भी आए हैं, शहबाज की तरफ से सब विजय के लिए। 57 रन 57, वेल डन, इस टूर्नामेंट की पहली 50, वाइक थी 50 किसी ने बनाई है तो है विजय, बिल्कुल बिल्कुल जो है वो कांग्रेचुलेशन है फिर से एक मरता, लेकिन इस बार शायद ये विजय रथ यात्रा यहां पर रुकती हुई,
लेकिन अपना काम कर दिया अपने टीम के लिए। यात्रा पर सवार होकर लोगों का दिल जीत लिया। ओके अल्तमश। हाँ, यहाँ पर एक और इनाम जो है शहबाज कादेकर की जानिब से, सरपंच के जो पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पर, सरपंच चषक, उनका मकसद ये है कि अगर इसको हिट करती है, इस फ्रेम को अगर बॉल कोई हिट करता है तो 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। थैंक यू। क्या बल्लेबाजी की फ्रेम है इस को, फ्रेम को। बार बार यही कह रहे फ्रेम को, उनका मकसद